हाजरीन महफिल अस्सलाम वालेकुम सदर साहब। गजल का मतला हाजिर करता हूं। इब्तिदाए आलम से आपके जमाने तक इब्तिदाए आलम से इब्तिदाए आलम से आपके जमाने तक आपके जमाने तक कितनी मंजिलें तय की गम ने मुस्कुराने तक कितनी मंजिलें तय की क्या कहें क्या कहें गम ने मुस्कुराने तक इब्तिदाए आलम से। शेर हाजिर करता हूं दोस्तों। वाह। आसमाने शबनम को क्या कहने ये पयाम भेजा है। आसमान शबनम को आसमान शबनम को आसमान शबनम को ये पयाम भेजा है ये पयाम भेजा है आंसुओं की कीमत है आंसुओं की कीमत है आंख में ना आने तक आंसुओं की कीमत वाह 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 जिंदाबाद वाह आंख में ना आने तक इब्तिदाए आलम से क्या कहने शेर पेश करता हूं। जी शायद बतौर खास कैसे ऐसी बारिश में बिजलियों को ठुकरा दूं क्या कहने वाह कैसे ऐसी बारिश में कैसे ऐसी बारिश में बिजलियों को ठुकरा दूं बिजलियों को ठुकरा दूं गिरते पड़ते आई हैं अरे गिरते पड़ते आई हैं मेरे आशियाने तक वाह 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 गिरते पड़ते आई हैं मेरे आशियाने तक इब्तिदाए आलम से जिंदाबाद जिंदाबाद वाह इब्तिदाए आलम से शाम से ही आंखों ने कितने जाम छलकाए शाम से ही आंखों ने कितने जाम छलकाए शाम से ही आंखों ने शाम से ही आंखों ने शाम से ही आंखों ने कितने जाम छलकाए कितने जाम छलकाए दिल ना डूब जाएगा दिल ना डूब जाएगा रात भीग जाने तक दिल ना डूब जाए क्या कहने वाह रात भीग जाने तक इब्तिदाए आलम से जिंदाबाद जिंदाबाद। और दोस्तों गजल का मक्ता हाजिर करता हूँ उसके बाद इरशाद लेता हूँ।
मगर दोस्तों मक्ते को समाप्त करके उसी तरह से रुख्सत कीजिएगा जिस तरह से मेहमान शायर को आप नवाजते हैं। ये इटावा शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपके वतन के शायर हैं, आपके शहर की नुमाइंदगी करने के लिए कोशा है, तो लिहाजा जिम्मेदारी यहाँ पर भी आपकी ज़्यादा है कि आप अपनी समातों को बेदार भी रखें, जिससे हमारे मेहमान शोरा मुतमइन हो जाएँ कि इटावा वाले बेदार हो चुके हैं, वो मक्ता पेश करना जा रहे हैं, आप लोग तैयार रखें अपनी समातें। शुक्रिया हिलाल भाई। इरशाद, इब्तिदाए आलम से रास्ते के पेचो खम, मैंने सार क्या जानूं, रास्ते के पेचो खम, क्या कहने, रास्ते के पेचो खम, मैं निसार क्या जानू, मैं निसार क्या जानू, सरबा सजदा आया हूँ, सरबा सजदा आया हूँ, उसके आस्ताने तक सरबा सजदा आया हूँ, क्या कहें, उसके आस्ताने तक जिंदाबाद जिंदाबाद इब्तिदाए आलम से। शुक्रिया।